ये निडल लेस को मैं एंकर पर्ल कॉटन से बनाने वाली हूँ। आप कोई भी थ्रेड, सिल्क थ्रेड या कोई भी थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने सेकंड बेसिक स्टिच है जो ट्रायंगुलर स्टिच है निडल का, जो मैंने इसका सेपरेट वीडियो बनाया है। ये डिज़ाइन इसके ऊपर ही बेस्ड है। अगर आप डिटेल में ट्रायंगल बनाना सीखना चाहते हैं, आप बिगिनर हैं, तो मेरा वीडियो रिफ़र कर सकते हैं। नॉटलेस टेक्निक से पहले थ्रेड को अटैच करेंगे और एक स्पेस बनाएंगे राइट साइड में लूप को रखते हुए इस तरह से। ये लूप बनने के बाद ये स्पेस जो बनी है इसमें निडल को इंसर्ट करके 2 टाइम टर्न लेंगे इस तरह से और बुलियन स्टिच बना देंगे। ये बुलियन स्टिच बनने के बाद सेम स्पेस में निडल को इंसर्ट करते हुए राइट साइड में रखते हुए थ्रेड को इस तरह से पिकॉट स्टिच बनाएंगे। पिकॉट स्टिच बनाने के लिए ये लूप को ये थ्रेड पे इस तरह से डाला जाता है, लेफ्ट में कर दिया जाता है राइट से, और ये इसे होल्ड करके रखा जाता है जो थ्रेड अटैच है। तो ये अटैच थ्रेड को हमने इस तरह से होल्ड किया और इसे पुल करते हुए एक पिकॉट स्टिच बना दिया। पिकॉट स्टिच बनाने के बाद एक और एक स्पेस बनाएंगे इसके बाद, इसके ही करीब ट्रायंगल बनाने के लिए। तो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज सिंगल टर्न लेते हुए सेकेंड स्पेस को इसी के ही बाजू में बनाएंगे। जैसे ही ये स्पेस बन गई है तो ये स्पेस को यूज करेंगे, इसमें निडल को इंसर्ट करेंगे ये स्पेस में इस तरह से, और 2 इस तरह से रैप लगाएंगे, टर्न लगाएंगे और इसे निकाल देंगे ये थ्रेड को इस तरह से। अब ये जो हमने पिकॉट स्टिच बनाया था इसमें निडल को इंसर्ट करते हुए 2 टर्न लेंगे और इस तरह से स्मॉल ट्रायंगल बना देंगे। ये स्मॉल ट्रायंगल पे मोस्टली हम पिकॉट बनाते हैं पर इस पे नहीं बनाएंगे। फिर इस तरह से थ्रेड रखते हुए हमें ये जो सेंटर में जो स्पेस बनी है इसकी, यहाँ पर इंसर्ट करेंगे निडल को और एक एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेते हुए इसे यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो ये इस तरह अटैच हो गया। अब एक पर्ल या तो आपकी पसंद की कोई भी बीड लेंगे और इसे ऐड करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर एक स्पेस बनाते हुए एक एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेंगे और इसे अटैच कर देंगे। यहाँ पर अटैच करने के बाद ट्रायंगल के टॉप पर जाएंगे इस तरह से और एक एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेते हुए इस तरह से यहाँ पर लूप को अटैच कर देंगे। तो जैसे ही लूप अटैच हो जाता है तो हमें बटन होल स्टिचेस बनाने हैं। इसके लूप की साइज के अकॉर्डिंगली बटन होल स्टिचेस बनाएंगे। मैंने 7 बटन होल स्टिचेस बनाए हैं और इसे अटैच कर देंगे। जहाँ तक इसकी जो साइज़ है इसके हिसाब से हम इसे अटैच कर देंगे। तो यही तरीका है ये लेस बनाने का। तो आप इसे सेम, अब मैं जिस तरह से सेम रिपीट करने वाली हूँ, पहले ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल के एंड करते हुए बीट लगाएंगे, फिर लूप बनाएंगे, लूप पे 7 बटन होल स्टिचेस बनाएंगे। तो इस तरह मैं करते हुए ये लेस को कंप्लीट करूंगी।
तो इसी तरह सेम रिपीट करते हुए ये ब्यूटीफुल डिज़ाइन को कंप्लीट करें।